तो दोस्तों अभी तक हमारा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर सीरीज चल रहा था। हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमने कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग और ट्रांसफर फंक्शन को कवर किया था। अब गेट और आईएएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इन टॉपिक पर बेस्ड रहते हैं, तो आज हम वही सब देखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि व्हेन अ ह्यूमन बींग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट हिज ब्रेन एक्ट एस, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, एन एरर मेजरिंग डिवाइस, अ कंट्रोलर, एन एक्चुएटर, एन एम्पलीफायर। ये आईएएस 99 का क्वेश्चन था। अब इसमें ह्यूमन जो है, याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ के तरफ अप्रोच करते हैं तो हम पांच सेंसेस के द्वारा सारा सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। हम आँखों से देख रहे हैं तो वो सिग्नल ब्रेन को जा रहा है, कानों से सुन रहे हैं, इसी प्रकार पाँचों सेंसेस से सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन को जाता है, और ब्रेन फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है? ऑब्वियस बात है कंट्रोलर, तो इसका सही जवाब हुआ कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ये आईएएस 2008 का क्वेश्चन है। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर टाइम इन्वेरियंट सिस्टम इज गिवन एस GT इक्वल टू e^-t फॉर t ग्रेटर दैन 0। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, और आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार के बहुत कॉमन सवाल हैं और ये सॉल्व करना बहुत आसान है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, तो आप लिख लीजिए कि जो जो आपको गिवन है। अभी आप जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उस तरीके से चलिए, प्रॉपर पेन का इस्तेमाल करते हुए लिखते हुए स्टेप बाई स्टेप चलिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन आप दिमाग में ही कर लेंगे और विद इन 10 to 15 seconds आप आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए गिवन क्या क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको दिया है GT इक्वल टू e^-t फॉर t ग्रेटर देन 0। जब भी समय 0 से ज़्यादा होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, e^-t। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मतलब होता है आउटपुट, और इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट व्हेन द इनपुट इज इम्पल्स सिग्नल। तो जब इनपुट इम्पल्स रहे तो आउटपुट को कहा जाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये आपको पता है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ बीच में जनरली लिखा जाता है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स है हमारा GT। यहाँ पे हम GT की वैल्यू पुट कर देंगे, तो GT क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^-t हमको करना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^-t क्या हुआ, 1/s+1। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका निकल के आया है 1/s+1, यही इसका क्या हुआ जवाब। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाता है, ट्रांसफर फंक्शन पूछ लेता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाता है, स्टेप रिस्पॉन्स पूछ लेता है। IES 2010 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे है आपके। अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट गिव्स अ रिस्पॉन्स YT, और YT की वैल्यू दी है YT इज इक्वल टू t^-t फॉर t ग्रेटर देन 0। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, क्वेश्चन में आपको दिया है एक LTI सिस्टम है जो इनिशियली एट रेस्ट है और उस सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट दिया जाता है। तो मतलब आपका एक LTI सिस्टम है, LTI सिस्टम, इस LTI सिस्टम के इनपुट में हम क्या देते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल दिया जाता है इनपुट में। तो वो आउटपुट में जो निकालता है YT निकालता है, और क्वेश्चन में YT दिया है आपको t e^-t फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन बताओ क्या होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन 0। तो इनिशियल कंडीशन 0 क्वेश्चन में पहले ही दे चुका है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट हमारा इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम ले लेंगे, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ YT अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इनपुट में क्या है, यूनिट स्टेप, तो यूनिट स्टेप को कहा जाता है UT। YT का जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो e^-t का होता है 1/s+1, और मल्टीप्लीकेशन बाई टी का प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की, तो इसका होगा हमारा न्यूमरेटर का 1/s+1 का होल स्क्वायर, और UT का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या निकल के आ गया,
एस अपॉन में एस प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्रीन में आप देख सकते हैं आईएएस 2011 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूनिट इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 40 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जिसमें इंपल्स रिस्पांस यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन एस प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है अगला सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस 1 अपॉन एस। अब ये पूछता है सिस्टम में कि पूरे सिस्टम का ओवरऑल इंपल्स रिस्पांस क्या होगा। तो मान लीजिए ओवरऑल ये इसको अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ ब्लॉक के अंदर, तो ये पूरे का आउटपुट होता है सी एस, पूरे का इनपुट होता है आर एस। ओके, तो बीच का हम सिग्नल ले लेते हैं, मान लेते हैं इस सिग्नल को बोला जा रहा है वाई एस, तो आपको वाई एस अपॉन आर एस गिवन है 1 अपॉन एस प्लस 1, फिर सी एस अपॉन वाई एस गिवन है 1 अपॉन एस। आपको निकालने को बोल रहा है, आपसे पूछा है कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है। तो इस सिस्टम को अगर आप पूरा देखेंगे तो आउटपुट क्या है सी एस, इनपुट क्या है आर एस। तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट विच इज सी एस अपॉन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विच इज आर एस। तो सी एस अपॉन आर एस को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी एस अपॉन वाई एस मल्टीप्लाइड बाय वाई एस अपॉन आर एस, क्योंकि ये वाई एस से वाई एस कैंसिल हो जाएगा, हमारा सी बाय आर एस ही रहेगा। सी बाय वाई हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और y by r की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो दोनों को वैल्यू को हम रख देते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो c by y की वैल्यू हमारी 1 अपॉन s, y by r की वैल्यू हमारी 1 अपॉन s प्लस 1। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या निकल के आ रहा है 1 अपॉन में s, s प्लस 1। अब क्वेश्चन में आपको s डोमेन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है टाइम डोमेन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो यहाँ मैं इन्वर्स ले लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो इंपल्स रिस्पांस क्या होता है, इन्वर्स लैपलास ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इन्वर्स लैपलास ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है हमारा, 1 अपॉन में s, s प्लस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कर देंगे a अपॉन में s प्लस b अपॉन में s प्लस 1। अब इसके ऊपर क्या आएगा, तो देखिए s इक्वल टू 0 रखूँगा मैं और इसको छुपा लूँगा, तो 1 अपॉन में 1, तो a की वैल्यू आई हमारी 1, तो 1 अपॉन s। b की वैल्यू हमारी क्या आएगी, s प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो s इक्वल टू माइनस 1 आएगा, वो वैल्यू हम इधर रखेंगे और इसको छुपा लेंगे, 1 अपॉन माइनस 1 क्या होता है आपका माइनस 1। तो ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका इन्वर्स लेंगे, 1 अपॉन s होता है आपका ut और 1 अपॉन s प्लस 1 होता है e की पावर माइनस टी ut। तो ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकल के आ गया, इसका मतलब आपका आंसर है बी वाला 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गेट 2002 में आया था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी इक्वल टू डी यू बाय डी टी प्लस 2 यू। यहाँ पे y क्या है, y इज़ द आउटपुट और u इज़ द इनपुट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक सिस्टम जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन से बताया गया है, तो सिस्टम को आप डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बता सकते हैं। अब बता रहा है, ये पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। तो हमें पता है ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। हमें क्या चाहिए, वाई एस और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इनपुट इज यू, तो यू का लैपलेस ट्रांसफॉर्म यू एस। अगर हम किसी तरीके से ये इक्वेशन ले आते हैं तो वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका पूरा लैपलेस ले लीजिए। तो लैपलेस की एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर वाई एस, ये क्या हो जाएगा एस वाई एस, मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो उतने एस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वल टू इधर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा तो एक बार मल्टीप्लाई होगा एस, ले एस यू एस प्लस 2 यू एस। देखिए इससे मैं वाई एस कॉमन निकाल ले सकता हूँ, तो वाई एस इक्वल टू अंदर आएगा एस स्क्वायर प्लस एस, इधर से यू एस कॉमन निकल आएगा तो आएगा एस प्लस 2। अब वाई एस अपॉन यू एस का रेशो हम ले सकते हैं, तो वो हम आएगा
एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एस। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस आपका ऑप्शन नंबर ए है। 2008 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जो आपकी स्क्रीन में है। अ फंक्शन वाई टी सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आपको इक्वेशन दी गई है जहां पे डेल्टा टी है डेल्टा फंक्शन। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन एंड डिनोटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन बाय यू टी वाई टी कैन बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया है। तो सबसे पहले तो आप कर लीजिए करें कि क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसको सिंपल भाषा में लिख लो। गिवन अ फंक्शन वाई टी सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी गई है तो d by dt of yt plus yt equal to del t, जहाँ पे ये आपका डेल्टा फंक्शन है। इंपल्स फंक्शन को डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि yt क्या है, क्या हो सकता है। सिंपल है, इसमें देखिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो एक s मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई एस, प्लस एक भी s मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो इसका आ जाएगा वाई एस। तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन का। डेल्टा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, यहाँ से हम वाई एस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आएगा एस प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई एस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस प्लस 1। अब इसका इन्वर्स लैपलास हम ले लेते हैं, इन्वर्स लैपलास लेंगे तो वाई एस बन जाएगा आपका वाई टी, और 1 अपॉन एस प्लस 1 होता है ई की पावर माइनस टी यू टी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ई की पावर माइनस टी यू टी। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कुछ ऐसे सवाल जो आईएएस और गेट में आए हुए हैं अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, ट्रांसफर फंक्शन की 2 डेफिनेशन होती है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, और दूसरी होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इस ट्रांसफर फंक्शन। इन दोनों पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।